अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कुछ पेपर एच, कुछ सी, कुछ बी इस तरह मिले थे, लेकिन ये हमें एच पार्ट कंप्लीट मिल चुका है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको तरतीब के साथ कंप्लीट पेपर ये सॉल्व कर लें। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी कोई पार्ट हम अपलोड करें तो उसका यूट्यूब पर आपको बरवक्त नोटिफिकेशन आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। द कंसेप्ट ऑफ एसिड which is only limited to aqueous medium and does not explain the acidity and basicity of the substance is non-aqueous medium as dash Lewis concept Arrhenius। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है Arrhenius, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट सेंसिटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन विद पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, 10, 11, 9, 12, 8, 13, 7 और 14। ये तो हम दोस्तों वहाँ पर बता चुके हैं कि 10 प्लस 1 आप करते हैं तो 11, और इसी तरह जो नंबर है 10 उसमें अगर एक माइनस करें तो 9 आ जाता है। तो इसको हमने पहले बहुत डिटेल के साथ सॉल्व कर चुका है, यहाँ पर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें 6 और 15, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, बेक इज़ रिलेटेड टू बेक बोन एज इन द सेम वे एज यानी बिली इज रिलेटेड टू डैश। तो जिस तरह बेक बोन हेल्प करता है बेक को, इसी तरह जो है हमारे पास नेवल है, हार्ट है, थ्रोट है, रिब्स, तो इसमें नेवल जो है, नाब जो है, वो हेल्प करता है आपकी बिली उसको, पेट को। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, इन द टू न्यूमेरिकल सीक्वेंसेज बिलो वन नंबर डेट अपीयर्स इन द टॉप सीक्वेंस शुड अपीयर इन द बॉटम सीक्वेंस इन वाइस वर्सा, विच टू नंबर्स शुड बी चेंज राउंड, 10, 20, 31 और 43, 54, 70, 10, 18, 28, 40, 56 और 70। तो चलो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने उसी तरह सी को लिख दिया, ये जो नीचे जो सीरियल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आप गौर करें, 10 प्लस 8 अगर आप करें तो 18 आ जाता है, और 18 प्लस 10 करें तो 28 आ जाता है, और इसी तरह अगर 28 प्लस 12 करें यानी 2 ज़्यादा करते जाएं तो 40, और 40 जमा नेक्स्ट आप दो मज़ीद कर लें 14, तो ये 54 आएगा, और 54 जमा 16 ये 70 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 56 लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर 54 आना चाहिए, तो ये 54 नीचे और 56 ऊपर, इनको आप इंटरचेंज करेंगे तो ये इसमें था, और गालबन ये मौजूद है आपके पेपर में पोर्शन वहाँ पर जो कि वन ऑप्शन है, डी ऑप्शन में ये बात वहाँ पर मौजूद है। दोबारा पेपर की तरफ चल, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 54 और 50 शुड बी स्वेप राउंड, यानी इसको आप इंटरचेंज करेंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 2 HNF 7 3 PL 9 K, अरेंज द लेटर्स इन फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स फॉलोड बाय द इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो दोस्तों, इसमें कहते हैं कि ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है इसको आप क्या कर लें, एक तरतीब में लिख लें, ऑर्डर में, यानी पहले ए बी सी, अल्फाबेटिकल तरतीब ये कहते हैं, ए बी सी डी इस तरतीब से। तो इसमें देखते हैं आप पहले नंबर पर आपके पास क्या आ रहा है, यानी जो पहले तरतीब पर आना चाहिए एफ़ आना चाहिए, फिर एफ़ के बाद आप देखते हैं फिर एच का नंबर होगा तो एच आना चाहिए, फिर के अगर तरतीब से करें एल एन, और फिर ओ यानी पी, ओ तो नहीं है तो पी, ये हो गया। अब आप नंबर को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको डिटेल, अगर डिटेल में जाएं तो आप जब इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है एसेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 10 9 8 इस तरह तरतीब को कहते हैं,
हमारे पास डिसेंडिंग। तो पहले आप लिखेंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3 और फिर 2। ये नंबर इसमें आए हुए हैं, तो ये ऑप्शन ए में मौजूद है और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों आप पहुंच आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 को देखें गौर के साथ। तो 1, 2, 3, 4 एस 2, 4, 6 एंड 3, 9, 2, 5 एस 2, 514 डियर 4, 1864 एस 2- 910, 72 और 712 और 514। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, आईक्यू के क्वेश्चंस जो हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया, एस 2, 46 और 3, 9, 2, 6 3,925 इज़ दिस। तो ये देखते हैं आप दोस्तों कि ये किस तरह ये नंबर इनसे बनता है। तो अगर इन नंबर दोनों को ऐड कर ले, 1 + 3, 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर लिख दिया और 2 + 4 ये 6, तो 46 बन गया। इसी तरह इन नंबर को ऐड करेंगे ऑड वन प्लेस पर और इवन प्लेस पर, तो 3 + 2, 5 और 9 और 5, 14, तो इस तरह ये 514 हो गया, 514। और इसी तरह 18, अब ये जो ऑड प्लेस पर है और इवन प्लेस पर, तो 1 + 6 जो है ये 7 हो जाएगा और 8 और 4, 12, तो ये 712 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन और ये सी में मौजूद था, यही इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, शी हैज़ अच्छा सीवन हार ड्रेस, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब सीवन हार हैज़ और हैज़। तो हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वैलिडिटी रिलेबिलिटी एंड यूजबिलिटी आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक टेस्ट यानी विच आर नोन एज डैश। तो ये दोस्तों इसमें साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेस्ट, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। डिश इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट एवेल्युएट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक कंस्ट्रक्ट आर बिहेवियर दैट इज डिज़ाइन टू मेजर। तो इसमें दोस्तों आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में ये है कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर आबिद वांट्स टू डिटरमाइन दैट हाउ वेल स्कोर ऑफ न्यूली एनरोल्ड चिल्ड्रन ऑन अ टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट यानी 10 एंट्री टेस्ट स्कोर एंड फाइनल टेस्ट स्कोर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट्स बिटवीन देम। तो इसमें भी दोस्तों हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। 12 डैश मेजर्स यूज टू एस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स ओवर टाइम। तो इसमें इक्विवेलेंट रिलेबिलिटी और रिलेबिलिटी और स्पेल्ड ऑफ रिलेबिलिटी तो टेस्ट रेस्टेड रिलेबिलिटी, इसमें ऑप्शन सी हमारे पास जो है स्पेल्ड ऑफ रिलेबिलिटी, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। कुछ मजीद क्वेश्चन भी कर लेते हैं अगले पेज की तरफ।